हफ्ते छत्तीसगढ़ जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय केपी खांडे जी, आयोजन समिति के सब साथी मन, सब जिलाध्यक्ष मन और हमारे पूर्व मंत्री उपस्थित सब साथी मन, सबो भाई बहनी मन, नौजवान साथी मन, पत्रकार संगवारी मन और सबो साथी मन, सब जयकारा भाषण शुरू करेंगे तो बहुत जयकारा भाषण शुरू करूं। बोलिंग शुरू बोली दुर्भाषी राज बाबा की, बोले भीमराव अम्बेडकर की, महात्मा गांधी की, मैं तीन जन के जयकारा लगवाए। काबर तीन जन के जयकारा ये पैक लगाए कि हमन घासीदास बाबा कहते हैं, गांधी बाबा कहते हैं और अम्बेडकर बाबा कहते हैं, चौथा बबल हमन नहीं जाना सकते। गुरु घासीदास बाबा हमारे सत्य के रास्ते में चले थे, महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के बदौलत देश आजाद करे और सामाजिक न्याय करे के काम कोनो करे है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर करे। आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला में बड़े बड़े आयोजन हो थे, दिल्ली में भी हुई, पटना बिहार में भी हुई, कि 82% आरक्षण देश में सबसे ज्यादा वो भी छत्तीसगढ़ में। कब को जन पूछते हैं अति का आरक्षण देते कोनों का आंदोलन वगैरह नहीं हुई, हमन कहन भाई ये बाबा गुरु घासीदास जी के पुण्य भूमि, यहाँ भाईचारा और प्रेम से रहन, लड़ाई झगड़ा के कोनों काम नहीं है। आश्चर्य करते कैसे कर दे, मैं क्या मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो ही काम लग करे, हमारे मंत्रिमंडल ही काम लग करे, जैन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में अधिकार दे, अनुसूचित जाति जनजाति ले होकर जनसंख्या के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। मंडल आयोग सिफारिश करी कि पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण मिलना चाहिए और लोकसभा में भी चुनाव के ठीक पहले पारित हुई, सामान्य वर्ग के जिन गरीब व्यक्ति है तीनों में 10% आरक्षण, तो जिन लोकसभा में पारित हुई, जिन मंडल साहब से पारित करी, जिन बाबा साहब जिन संविधान में अधिकार दे तेने काम ला करें, नहीं में कोई एहसान करे के काम नहीं हो, जिन अधिकार है जिन दे काम करें, यह आपके अधिकार है। न्याय मिलना चाहिए, न्याय केवल आरक्षण भर में नहीं, न्याय हमारे छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के साथ होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 39.9% आदमी गरीबी रहे।
और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पर इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आरक्षण बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया गया और ये जो आयोजन है, ये सम्मेलन है, अनुसूचित जाति सम्मेलन ये है, जहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का यहाँ अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है जहां पर मुख्यमंत्री का सम्मान किया जा रहा है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान किया गया। अनुसूचित जाति सम्मेलन है ये, जहां पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री, और ये सीधी तस्वीरें वहीं से रायपुर से हम आपको टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंडोर स्टेडियम की हैं, जहां पर ये सम्मेलन हो रहा है। मुख्यमंत्री का आदर सत्कार किया गया, सम्मान किया गया यहां पर गणमान्य लोगों के द्वारा, और ये जो पूरा कार्यक्रम है वो आरक्षण बढ़ाने के लिए रखा गया है, उसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ यहां पर अन्य मंत्री भी मौजूद हैं और जनप्रतिनिधि विधायक भी मंच पर मौजूद। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जहां पर जनता को भी संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। फूलमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का लोगों ने स्वागत किया है। और रायपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि आरक्षण बढ़ाने को लेकर जनता में खुशी थी और इसी के तहत अनुसूचित जाति सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समाज के सभी लोगों ने, गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। और उसके बाद यहां पर सभी जो गणमान्य लोग हैं मौजूद हैं, आपको बता दें कि मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं, साथ ही साथ विधायक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद। और ये सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी कार्यक्रम की, जो कार्यक्रम में आयोजित किया गया है अनुसूचित जाति सम्मेलन, इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तस्वीर में आप देख सकते हैं यहां पर सभी जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और इस आरक्षण को बढ़ाने के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी लोगों से मालाएं ली और उनका स्वागत करने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। समाज के अनुसूचित जाति सम्मेलन है ये, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त रायपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे ही हैं इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। सीधी तस्वीर रायपुर से, आरक्षण बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने के लिए समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। अनुसूचित जाति सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहुंचने के बाद उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। समाज के सभी गणमान्य नागरिक मौजूद हैं, वहीं मंच पर सभी जनप्रतिनिधि और साथ ही साथ विधायक और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से,
और इस कार्यक्रम में कई लोग इकट्ठा हुए हैं, कई मंत्री भी मौजूद हैं मंच पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीधे टीवी स्क्रीन पर आपके सीधी तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लोगों ने स्वागत किया है और यहां पर अब जनता को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और आपको बता दें कि आरक्षण को बढ़ाने के बाद इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अनुसूचित जाति सम्मेलन में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त की, इस प्रोग्राम की, जहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको बता दें कि जिस तरह से आरक्षण को बढ़ाया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, उसके बाद अनुसूचित जनजाति जो जाति सम्मेलन है ये आयोजित किया गया। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं इस आरक्षण को बढ़ाने को लेकर, क्योंकि अब वो जिस तरह से आरक्षण बढ़ने से सरकारी जॉब हो या पढ़ाई हो उसका लाभ ले सकते हैं, जिससे उनके और उनके परिवार का विकास हो, उस वर्ग का विकास हो। इस वजह से अनुसूचित जाति लोगों ने यह सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं। अभी खांडे साहब कहा रही से कि जनगणना के आंकड़ा आ ही थे, अगर एक महीना के भीतर में घटका प्रतिशत हमारा अनुसूचित जाति के वो लागू होना चाहिए। मैं ये मंच के माध्यम से आप लोग विश्वास दिलाता हूं 2021 में जहां जनगणना हुई आंकड़ा भारत सरकार जारी करी चुकर एक महीना के भीतर में जब तक तुम्हारे मन के जनसंख्या होकर आधार पे आरक्षण मिली, ये बात विश्वास आप काबर के हमारे मन के हाथ बंधे हुए, हमें मन मर्जी नहीं कर सका। यदि आज 2011 के जनगणना का आंकड़ा हमारे करे ओकर हिसाब से हम करें, यदि 16% है तो 16% देते, आज 13% है तो 13% देते, लेकिन वो आंकड़ा बड़ी अमूल मालूम है और आंकड़ा ज्यादा ही निश्चित रूप से ज्यादा है। लेकिन ये मंच के माध्यम से बात मैं कहना चाहता हूं, केंद्र में बैठी हुई सरकार जिन हमारे अनुसूचित जाति के जनजाति के जबका प्रतिशत हिंदुस्तान में आबादी है ओकर अनुरूप आरक्षण नहीं दे थे। अनुसूचित जाति के भी 1% कम मिले थे और जनजाति के भी 1% कम मिले थे। एकर मांग हम अल्लाह करना चाहिए कि भारत सरकार में हमारे जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तुम्हें मालूम है दिल्ली में भी आरक्षण सकता है, जनसंख्या आप मन के 16% मिलत कब का है 15%, जनजाति का आरक्षण 7.5% मिलत कब का है 6.5%। ये जो नुकसान 1% के ओकर मांग हमला करना चाहिए, दिल्ली सरकार से मांग करना चाहिए, ओकर प्रस्ताव यहां पारित होना चाहिए। यदि आप चाहत हो कि दिल्ली सरकार भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे तो कर बार सब जन सर्वसम्मति से हाथ उठा के यह प्रस्ताव हम अलग करके दिल्ली भेजे काम हम अलग करना है। आज बहुत अगर मांग आदरणी खांडे साहब रखे हैं, प्रमोशन में आरक्षण होकर साथ साथ जिन हॉस्टल मन की स्थिति, जमीन की मांग सब लबैठ के तय करना है,
हमार लैका मन ज्यादा अच्छा से पढ़ी ओकर मन के रहे व्यवस्था वो सब काम हमला करना है, चाहे छात्रावास हो, चाहे स्कूल हो, चाहे स्कॉलरशिप हो। काबर की हमार सरकार है ते निर्माण कार्य स्वीकृत करो, कमीशन लाओ। ये काम हमार सरकार नहीं करे। हमार सरकार तो छत्तीसगढ़ के 2,80,00,000 जिन जन हमार यहाँ के निवासी है तिकरमन के उत्थान और विकास के काम हम करे फैसला करे हैं। सड़क भी जरूरी है, भवन भी जरूरी है, वो काम मन कर वो। लेकिन सबसे पहली मनखे है बाबा साहब के, गुरु घासीदास बाबा, मनखे मनखे एक समान, मनखे मतलब हमार इकाई मानना है। हर मनखे के विकास हम अलग करे के काम हम अलग करना है। ये बात कहते हुए बहुत बड़े संख्या में आके ये आज कार्यक्रम सफल बनाए और आयोजक साथी मतलब बहुत बहुत बधाई शुभकामना। बहुत विपरीत परिस्थिति में भी पूरा ताकत के साथ कार्यक्रम सफल आप बनाए देकर भर और पूरा हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनी मन आशीर्वाद दे हमारे सरकार ल देकर भर आप सब हृदय से धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रत्येक 3 साल श्रीफल फेंककर के सम्मान करने के लिए माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी निवेदन करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रत्येक 3 भेंट करके अभिनंदन करने के लिए आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी ला मैं अनुरोध करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के साल श्रीफल प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मान करने के लिए आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, सबको पर्याप्त भोजन दिया जाएगा और सभी पदाधिकारियों का यहाँ पर मंच में सम्मान किया जाना है। तो मैं सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा आप सब यहीं रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सबका हम सम्मान करते जाएंगे। मैं आदरणीय धनेश पाटिला जी से अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री डॉक्टर शिव ढारिया जी का अभिनंदन करें। माननीय धनेश पाटिला जी से मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच बहुत ही सम्मान्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी हैं, उनका मोमेंटो और साल भेंट करके अभिनंदन करेंगे। हमारे सब विधायक मन के माननीय हमारे मंचस्थ सब अतिथि मन के सम्मान भारी भारी माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन शिव ढारिया जी के हाथ से करे जाना है। तो आप सब मैं निवेदन करा था माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद के पश्चात आप सबके अभिनंदन माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी के हाथ से करे जाए। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भी आपने देखा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जनता को संबोधित किया, उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री का सम्मान करने के लिए लोग मौजूद स्टेज पर और उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम है ये, जो कि आरक्षण बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति सम्मेलन का ये आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वहां पर जो भी लोग मौजूद हैं उनको संबोधित किया कुछ ही क्षण पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। अब उसके बाद ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ और यहाँ पर जो गणमान्य नागरिक हैं अब वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत करेंगे और अब इस सम्मेलन की ओर से शॉल और श्रीफल देकर मुख्यमंत्री का सम्मान किया जा रहा है। और आपको बता दें कि शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को।
सीधी तस्वीरें रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। इस सम्मान समारोह में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और आपको बता दें कि इस वक्त लोकप्रियता अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ के अंदर हर वर्ग और जाति के लोग उन्हें सम्मान दे रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से उनके द्वारा किए गए कार्य हैं वो सराहनीय है। और जो कि अब आपको बता दें कि जिस तरह से आरक्षण को बढ़ावा दिया, उन्होंने आरक्षण बढ़ाया है, उसके बाद से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो काफी खुश हैं कि अब वो मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। और जिस तरीके से चाहे वो सरकारी जॉब हो या फिर पढ़ाई हो, उसमें आरक्षण की वजह से वो आगे आ सकेंगे, जिसकी वजह से यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।